नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बहदराबाद में पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये चेकिंग अभियान बीईएचएल चौक पर मास्क और सैनिटाइजर को लेकर चलाया जा रहा है। इस दौरान मास्क और हेलमेट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बहादराबाद बीएचएल चौक पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां एसआई पूनम प्रजापति द्वारा बाइकों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट और मास्क पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एसआई पूनम प्रजापति का कहना है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क, हेलमेट और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मास्क ना पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसआई पूनम प्रजापति का कहना है कि बहादराबाद के लोग भी प्रशासन की काफी सहायता कर रहे हैं और चेकिंग अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। चेकिंग अभियान के दौरान कांस्टेबल मनीष कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार ड्यूटी पर तैनात रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आपके द्वारा ये चेकिंग की जा रही है मैडम? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।